तो सबसे पहले एक और आई, सीक्वेंस क्या बताया था बच्चे लोग आप लोगों ने? जी ए डबल टी सी राइट, इधर इसका सी टी टी डबल ए जी, यही सीक्वेंस था। यस यस एंड इट वाज कटिंग फ्रॉम हियर एंड हियर राइट। यस यस ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोन्यूक्लियस इज लाइक जो कि इन बिटवीन आपका कट कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो कि साइड साइड से कट कर रहा है राइट। सो यहाँ पे बच्चा लोग आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक में वो जो डायग्राम दिया है ना, वो आप लोगों को स्पेसिफिक सिर्फ इतना बता रहा है कि आपका जो ई कोर आई है स्पेसिफिक समझते हैं, मतलब स्पेसिफिक किसके और किसके बीच में कट करेगा। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये बताया कि ए कोराई एंजाइम विल कट स्पेसिफिकली बिटवीन जी एंड ए, ओके। इसके इस तरफ भी सीक्वेंस है, इसके इस तरफ भी सीक्वेंस है, आप लोगों को बुक में वो दिया नहीं है। जनरली ई कोराई का ये पूरा सीक्वेंस जो है ये आधा ही आपको दिया है। इसके यहाँ पे और भी सीक्वेंस है, सी ए टी जी, समझे? और इस तरफ भी सीक्वेंस है जी सी टी जी ए। सिमिलरली यहाँ पे इसका क्या होगा, उल्टा, ए का पेयरिंग टी, सी का पेयरिंग जी, टी का पेयरिंग ए राइट। यस यस सो दिस इज द एक्चुअल रीजन। तो अभी आ गया ना इन बिटवीन, इट इज कटिंग हियर एंड हियर। तो एंडो हुआ या एक्सो हुआ? एंडो एंडो यस। तो आप लोगों को जो बुक में दिया है ना, वो ये बताने की कोशिश की गई है कि वो किसके और किसके बीच में स्पेसिफिक कट करेगा। जैसे कि ई कोराई आपका जी एंड ए के बीच में स्पेसिफिकली कट करेगा, समझ में आया? सिमिलरली आपका जो बैम वन है ना, सेम उसका भी यही है, इट विल बी कट बिटवीन जी एंड जी। जी यस दैट विल बी कट बिटवीन जी एंड जी। तो वो एक्चुअली आप लोगों को बताया है कि कोई भी अगर सीक्वेंस है तो यहाँ पे अगर वो कट कर ला, सिमिलरली इसका उल्टा, तो इट इज लाइक कि जी एंड जी के बीच में कट करेगा और यहाँ पे जी एंड जी। तो यहाँ पे भी आपका जो है कुछ सीक्वेंस है दोनों तरफ, ठीक है? यस समझ में आया सबको? तो वहां पे आपको दो से तीन चीज जो डायग्राम दिया वो इसलिए बताया है कि पहला तो वहां पे स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स किया था हमने राइट, कि फ्रैगमेंट्स आपके जो है स्टिकी कैसे होंगे ब्लंट कैसे होंगे, याद है? यस मैम यस, सो दिस इज एन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे आपको सीक्वेंस अगल बगल का नहीं दिया, सिर्फ जूम इन करके आपको ये बताया है कि ई कोराई विल स्टार्ट बिटवीन जी एंड ए एंड बाम एच वन कट बिटवीन जी एंड जी। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? स्पेसिफिसिटी वहां पे आप लोगों को पता है, स्पेसिफिसिटी समझते हो ना, कि मतलब कहीं पे भी आपका ई कोराई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सीक्वेंस में इट इज कटिंग बिटवीन जी एंड ए। हमने बहुत पहले ही पढ़ा था ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो ये जहां पे भी कट करेगा सिर्फ जी एंड ए के बीच में ही कट करेगा, अब ऐसा नहीं कि ई कोराई आप यहाँ पे यूज करोगे तो इट विल बी कट बिटवीन जी एंड जी। इज इट क्लियर? ई कोराई अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यहाँ पे यूज करोगे तो कहाँ कट करेगा? हियर जी एंड ए, समझ में आ रहा है? फिर इट विल कट हियर। सो ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट है कि आपका किसके एंड किसके बीच में वो कट करेगा, सिर्फ वहां पे आपको स्पेसिफिसिटी बताइए। कहाँ? मिस उसके लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, मिस लेफ्ट साइड? जी एंड जी के लेफ्ट साइड में ऊपर जी ऊपर एंड यहाँ पे, मैम। अच्छा हाँ मिस, ये जी ए, बट यहाँ यस पे आपको कहाँ मिल रहा है सेम? नीचे नहीं मिल रहा है। इट शुड बी कट सेम फ्रॉम बोथ द सेम साइड्स ना, यस यस ओके। यस सो नाउ नेक्स्ट, आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था मैंने, हैव यू डन इट? से एड्रेस यस और नो किया आप लोगों ने? यस मैम ओके, समझ में आया?
yes. आधा yes. तो हमने किया ही था, उसका मेन अल्टीमेटली करना ही क्या था आपको. देखिए द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि व्हेन द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम पे होंगे और यू कैन से दे आर टाइटली लिंक होंगे. ओके मतलब अगर टाइटली लिंक होंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या कम? कम कम. सो इट इज लो रिकॉम्बिनेशन. ओके सो डिफरेंट क्रोमोसोम लूजली बॉन्ड जीन्स, लूजली लिंक होंगे आपके जीन्स, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा. सबको समझ में आया? यस. दैट्स व्हाट हमने उसमें लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में देखा था कि इट इज लाइक कि जीन्स आपके जब सेम क्रोमोसोम पे होते तो सम जीन्स आर स्ट्रॉन्गली लिंक एंड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, जिसमें हमने दो टाइप का देखा था, 1.3% रिकॉम्बिनेशन याद है एक, और दूसरा 37.2 क्रॉसेस, क्रॉस वन क्रॉस टू का. ओके और व्हेन द जीन्स आर लूजली लिंक प्रेजेंट फार अवे, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम यू कैन से. सो हियर सेम क्रोमोसोम मतलब टाइटली लिंक मतलब लो रिकॉम्बिनेशन, डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब फार अवे डिस्टेंस दोनों के बीच में, इट इज लूजली लिंक तो मतलब हाई रिकॉम्बिनेशन. दैट इज यू कैन से जो सेकेंड केस हमने देखा था वहां पे हमको 37.2% रिकॉम्बिनेशन देखने मिला. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Okay. किसी को कुछ doubt? No ma'am. Okay. So next one is autosomal inheritance. Autosomal inheritance मतलब क्या होगा बच्चे लोग? We know what is autosomal. We know what is inheritance. तो दोनों को मिला के क्या होगा? ऑटोसोमल मतलब क्या? इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सोमैटिक सेल्स. यस दैट इज ऑटोसोम्स, सोमैटिक सेल्स. इनहेरिटेंस मतलब क्या बच्चा लोग? हेरिडिटी. यस और नो? यस. इनहेरिटेंस मतलब क्या? द सेम कैरेक्टर्स दैट इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी, राइट? यस. आपका सेम कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. बाकी के लोग कहाँ हैं? नोबडी सेइंग यस और नो. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस. यस मैम. ओके ओके सो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स मतलब क्या? Somatic cells means what? We have 44 pairs of cells, right? Yes. जिसमें से एक पैर आपका कितना है? 44 पैर है. Yes बोल रहे हो? No, 44 chromosomes है. Yes. Pairs कितने हैं? 23 है और इसका 22 है. Yes. So out of 23 pairs, one pair is what? Your sex chromosome. Sex chromosome. 22 pairs are autosomes. Autosomes मतलब your somatic cells. Okay? Sex chromosome मतलब आपका which cells? Germ cells. Yes, exactly. Germ cells, you can say allosomes. बहुत सारे नाम है, ठीक है? So now, beside this sex germ cells को छोड़ के जो भी आपकी हेरिडिटी, जो भी डिसीजेस, ये 222 जो आपके ऑटोसोम्स है, सोमैटिक सेल्स है, इनके वजह से जो हेरिट होगा ना, इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. समझ में आया? यस मैम. मतलब नॉर्मल आपका जो वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम है उसको छोड़ के जो भी इनहेरिटेड, जो भी डिसीजेस है ना, ट्रांसमिशन, दैट इज यू कैन से ऑटोसोम लिंक ट्रेट्स. ओके व्हाट वी कैन से? ऑटोसोम के ऊपर जो लिंक रहेगा, दैट ट्रेट्स. ट्रेट्स मतलब क्या बच्चा लोग? कैरेक्टर्स, राइट? यस. सो आपके ऑटोसोम सेल्स पे जो लिंक कैरेक्टर्स होंगे, दैट विल बी ट्रांसमिटेड, इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. सबको समझ में आया? यस. जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा. अब नाउ देयर इज प्रोबेबिलिटी आइदर इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव, राइट? जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आए हैं. यस और नो?
प्रोबेबिलिटी है ना, इट कैन बी डोमिनेंट ऑल्सो और इट कैन बी रिसेसिव ऑल्सो. जब दोनों साइड से एक एक जीन सेम प्रेजेंट हो जाएगा सो दैट इट विल बी रिप्रेजेंट एज डोमिनेंट, और अगर दोनों साइड से एक एक ही प्रेजेंट होगा तो इट इज रिसेसिव. सिकल सेल एनीमिया वगैरह हमने लास्ट टाइम एक बार और क्रॉस देखा था, याद है, हेमोफीलिया का, हेमोफीलिया एंड ऑल. ओके, सो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में यहाँ पे भी आपके पास दो कैरेक्टर्स हैं. इट इज लाइक वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स एंड द अनदर वन इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. ओके, सो डोमिनेंट वाले के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने. डोमिनेंट आई होप सबको क्लियर है, व्हाट इज दिस डोमिनेंट एंड व्हाट इज दिस रिसेसिव. इज देयर एनी कंफ्यूजन तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबको पता है या एक्सप्लेन करूँ वापस, व्हाट इज डोमिनेंट व्हाट इज रिसेसिव? अवंतिका, मनाली, अनुज, शरण नहीं है क्या आज? ओके, सो व्हाट इज दिस डोमिनेंट? दैट एक्सप्रेसेस, बराबर, हर कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करता है, दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट. और जो डोमिनेंट जीन पे एब्सेंट होने पे एक्सप्रेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिसेसिव. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेंस में बच्चा वी विल स्टडी द विडोस पीक. लास्ट टाइम आप लोगों को डिस्कस किया था मैंने, याद है, इट इज अ हेयर लाइन स्ट्रक्चर. नॉर्मल आपका हेयर कैसा होता है, इट इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन. विडोज पीक में इट विल बी कम लाइक दिस, यहाँ पे ना आपका ऐसा दिखेगा, दिस इज अ विडोज पीक. वी शेप का मतलब, वी शेप का आपको ऐसा दिखता है. ओके, तो डोमिनेंट ट्रेड्स में विडोज पीक एंड हंटिंगटन डिजीज. अब हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, नहीं आइडिया? एनी आइडिया बच्चा लोग? ऑटोसोमल ट्रेट्स में आपका PKU, दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस. समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? यस मैम. लास्ट सिकल सेल एनीमिया. ओके, अब एक 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 डिसीज देखेंगे बच्चा लोग, किसमें क्या होता है. विडोज पीक आई होप सबको समझ में आ गया है. विडोज पीक आपका नॉर्मल एब्सेंट रहेगा तो इट इज लाइक दिस, बराबर. और ये कब रिप्रेजेंट होगा, डोमिनेंट कंडीशन में, मतलब एक एक जीन दोनों साइड से आना चाहिए, राइट? यस. या फिर एक कोई डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तब जाके ये प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंसी. आप लोगों का आज पढ़ने का मन नहीं लग रहा है. ओके, सो विडोज पीक आपके डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस होगा एंड इट इज लाइक अ वी हेयरलाइन दिखता है आप लोगों को, वी शेप हेयरलाइन. आपका जो फोरहेड है, बहुत सारे लोग ऐसे दिखते भी हैं, स्पेशली बॉयज को भी. वैसे तो इक्वल चांसेस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज को, लेकिन बॉयज को स्पेशली आप नोटिस करोगे तो वहां पे आपको वी शेप कैसे हेयरलाइन दिखेगा और नॉर्मल कैसा स्ट्रेट होता है, राइट? तो बहुत सारे लोगों का सब वी शेप होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ विडोज पीक. नेक्स्ट डिसीज इज हंटिंगटन डिसीज. हंटिंगटन डिसीज में बच्चा लोग क्या होता है, आपका जो इट इज ऑल्सो एन इनहेरिटेड कंडीशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेड कंडीशन जो डोमिनेंसी में एक्सप्रेस होगा, जिसमें आपके जो नर्व सेल्स होते हैं ना, ओवर टाइम, टाइम जैसे जैसे पास होता है 30s और 40s के एज में, आपका जो नर्व सेल्स का उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है. और ये केसेस बहुत ही रेयर है, मतलब वंस इन अ मिलियन, इट इज लाइक दैट, इतना आपका वो है ये. तो इसके जब आपके नर्व सेल्स का ब्रेकडाउन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मूवमेंट वगैरह सब थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम ओनली, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, सो इट विल बी अफेक्ट बैडली एंड दिस इज वेरी रेयर डिसीज. ओके,
नेक्स्ट वन इज अभी यहाँ पे हमारा रिसेसिव ट्रेट्स में क्या देख रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में द फर्स्ट वन इज फिनाइल कीटो नूरिया. ओके, फिनाइल कीटो यूरिया. सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कीटो नूरिया मतलब आप लोगों को पता है, पहले कभी सुने हो? नो मैम. मैम कीटोन बॉडी इज प्रेजेंट रहते हैं यूरिया में, यूरिन में. इट इज लाइक यूरिन. ओके, हाँ. सो कीटोन यूरिया मतलब क्या, कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं. या पहले भी पढ़ोगे बाद में या फिर पहले मतलब पढ़े रहोगे. तो इट इज अभी यहाँ पे आपका क्या लग गया, इट इज फिनाइल कीटोनूरिया. ओके, सो इन फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज क्या होता है बच्चा लोग, आपका जो इट इज एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. आपके जितने भी जेनेटिक डिसीजेस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मतलब दे आर जेनेटिक, राइट? तो ऐसा नहीं है कि धीरे 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 डेवलप होंगे, बट इट डिपेंड्स कि वो अपना अफेक्ट कब शो कर रहा है. जैसे कि अभी हमने हंटिंगटन डिजीज देखा, राइट? वो कब शो करते हैं अपना डिफेक्ट, 30s एंड 40s एज पे. अभी देखा ना हमने. यस. ओके, सो पीकीयू इट इज आल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. यहाँ पे मेटाबॉलिक मतलब क्या, इट इज रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स. तो यहाँ पे आपका जो फिनाइल एनालाइन हाइड्रोलिसिस एंजाइम है ना, वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाता. और ये एंजाइम जो इट इज वेरी एसेंशियल, वेरी नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू टायरोसिन. समझ में आया? यस यस मैम. होल्ड ऑन, मैं यहाँ पे बताती हूँ. ओके, सो पीक्यू इज लाइक आपका नॉर्मल एक एंजाइम होता है, ठीक है? दैट एंजाइम इज, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, ठीक है? दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेस. ओके, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम. समझ में आया? यस. नाउ अब ये तो आपके एंजाइम का नाम हो गया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम? इट इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ व्हाट, this enzyme is necessary for the conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine. So this is necessary for the conversion of phenylalanine into tyrosine. ओके, अब एंजाइम का मतलब यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम, दैट हेल्प्स टू कन्वर्जन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, राइट? सो नाउ आप ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच सकते हो, इफ द एंजाइम इज एब्सेंट हियर, ये एंजाइम यहाँ पे आएगा, राइट? अमाइनो एसिड फिनाइलएलानाइन का कन्वर्जन किस में कराना है, टायरोसिन में. सो दिस एंजाइम विल कम हियर, ये एंजाइम का काम है, वो यहाँ पे होगा. सो नाउ इफ दिस एंजाइम इज एब्सेंट, तो यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन होगा बच्चा लोग? फिनाइलएलानाइन का कन्वर्जन मतलब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका जो कन्वर्जन होना चाहिए था टायरोसिन में, इट इज नॉट हैपनिंग, राइट? टायरोसिन में जब कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका जो अमाइनो एसिड फिनाइलएलानाइन है, इट स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटेड. अब वो एक्यूमुलेट कहाँ होगा, आपके ब्लड में होगा. देन डू यू नो व्हाट इज CSF? सुनो कभी? यस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो आपका जो ये अमाइनो एसिड फिनाइलएलानाइन स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन योर ब्लड एंड CSF, जो कि क्या करेगा, अब ये ब्लड और CSF मतलब इट इज अ फ्लूइड ऑफ योर ब्रेन, राइट? तो इट विल बैडली अफेक्ट टू योर ब्रेन एंड ऑल्सो कॉसेस मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो आपकी कैपेसिटी है थिंकिंग की, सोचने की, समझने की, वो धीरे 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 क्या होता है,
मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है. नाउ अभी इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बच्चा लोग कि जो एक्सेस आपका फिल एनालाइन इज स्टार्ट्स गेटिंग एक्सक्रीटेड इन व्हाट यूरिन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ना पीकेयू, दैट इज फिनाइल कीटो यूरिया. मतलब यूरिन के थ्रू आपका फिनाइल बॉडी जो है इट इज एक्सक्रीटेड आउट. समझ में आया? यस मैम. ओके, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? No. No. सबको क्लियर है? Yes. Yes. Okay. अभी यहाँ पे विडो स्पीक भी हो गया. विडो स्पीक में हमने देखा प्रोमिनेंट वी शेप हेयरलाइन दिखता है आपको एंड इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज. तो अगर डोमिनेंट डिसीज है तो इट इज लाइक कि वो कब एक्सप्रेस होगा? देयर इज टू कंडीशन. ये लिखोगे क्या आप लोग? दिस इज वन इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम लिख के अंडरलाइन yes, करो. And what is the function? वो भी लिखो. So this enzyme is necessary for the conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine. Due to absence of this, your phenylalanine is started accumulating into the blood and CSF, which results into a mental retardation. डन बच्चा लो. डन. Yes. Okay. Now, widow speak में हमने क्या देखा? It is an autosomal dominant trait. So dominant we know. एक अगर present है तो भी वो present, मतलब तो भी वो express होगा और दोनों present है तो भी express होगा, right? वो tall वाला याद है concept. एक capital T है तो भी this plant is going to be tall. दोनों capital T है तो भी this plant is going to be tall. But इस case में है chances tall होने के. No. Similarly here also. So widow speak is representing by capital W. मतलब W means आपका जो hair वाला ही है, okay? So widow speak मतलब ये आपका दोनों capital W जैसे हम normally cross करते, okay? Recessive मतलब ये आपका दोनों small W. तो अगर ये condition है मतलब your hair is going to be straight line. समझ में आया? Now this is representing the widow speak. दिख रहा है? This is representing the widow's peak, right? तो अब हम यहाँ पे जब process कराते हैं, so this is one capital W, one small W. तो क्या होगा? It is going to be result into कैसा होगा? Individual widow's peak वाला होगा या straight line hair वाला? Widow's peak. Widow's peak. Yes. Okay. Widow's peak. Because यहाँ पे एक gene जो है आपका capital present है ना, that is dominant. अभी हमने पढ़ा ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या? एक भी अगर डोमिनेंट का कैरेक्टर आपको दिख रहा है सो इट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी एक कैपिटल एक स्मॉल, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी विडो स्पीक. यहाँ पे भी सारा. ओके, सो आपका स्ट्रेट लाइन कब एक्सप्रेस होगा? व्हेन इट इज इन अ होमोजाइगस कंडीशन ऑफ दिस. ओके, सो इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप हैव स्ट्रेट हेयर लाइन. और विडो स्पीक में से दोनों में से कोई एक भी होगा तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. मतलब इसका मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? तो अगर मॉम या डैड में से कोई एक भी विडो स्पीक वाला है सो देयर इज चांसेस कि इट कैन बी इनहेरिटेड, राइट? एग्जांपल लेके देख ले, बिकॉज वो डोमिनेंट कैरेक्टर में है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर जो है इट इज अ रिसेसिव, मदर इज बोथ रिसेसिव. तो चांसेस कितने हैं ये देखते हैं विडो स्पीक के. दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल W स्मॉल W, राइट? तो रिजल्टेंट क्या आएगा? विडो स्पीक, राइट? यस यस और नो?
नेक्स्ट इज अगेन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, क्या आएगा? विडो स्पीक. वेर एज इसका क्या आएगा? दिस इज स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हेयर लाइन. एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, सो स्ट्रेट हेयर लाइन. तो इट डिपेंड्स, अगर मॉम या डैड में से, समझ लीजिए ये हमने फादर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया, नहीं है मदर का, ओके. सो देर इज 50% चांसेस कि कौन सा क्या विडो होगा और कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा. सो नाउ इट डिपेंड्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. सबको समझा? Yes. Okay. Now we are done with the autosomal disorders, autosomal link. Now next one is sex linked inheritance. Sex linked inheritance मतलब क्या बच्चा लो? It is going to be through the sex. क्या sex characters आपके जो sex gametes है, because of that, right? Traits are going to determine by the sex link disease. That's why it is called a sex link trait. जो भी characters है आपके, मतलब it is going to depend on X and Y link. समझ में आया? Because sex में हमारे पास वही है ना, X and Y. So it is going to be divided into two. One is going to be X link, and the another is going to be Y link. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ओके. एक्सलिंक जीन्स एंड वाई लिंक जीन्स. नाउ एक्सलिंक जीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम, दैट इज सेक्स लिंक जीन्स. ओके. वेर एज योर वाई लिंक जीन्स का जो कॉमन नेम, इट इज कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स. ओके. Is there doubt to anyone? This is just the another name. X-linked genes are also called as sex-linked genes, and Y-linked genes are also called as Hollandrick genes. समझ में आया? Yes. Okay. So now first one, जैसे कि हम X-linked देखेंगे, तो X-linked genes मतलब क्या? It is going to be located on X chromosome, right? Yes. So do you remember? मैंने आपको कुछ बताया था. Homologous में present हो गया, non-homologous में? सेक्स लिंक वाले. यस. सो इट इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन. ओके. सो इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन. सिमिलरली वाई में क्या होगा बच्चा लो? नॉन होमोलोगस ही होगा. Why? Yes. क्योंकि हमने ये देखा था कि जो भी डिसऑर्डर वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम में भी सेम नॉन होमोलोगस रीजन में, और वाई क्रोमोसोम में भी सेम नॉन होमोलोगस रीजन में. समझ में आया? Yes. Okay. Now we know females में कितने क्रोमोसोम्स है एक्स के? Two. Yes. And males में? One. Okay. So अभी मुझे एक चीज बताओ बच्चा लोग, कि ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस किसके, मेल के या फीमेल के? मेल. बाय आंसर इज करेक्ट, बट आई वांट रीजन. ओनली वन क्रोमोसोम में. ओके. सो आपके मेल्स के अफेक्ट जो एक्स लिंक डिसीज होते हैं ना बच्चा लोग, मतलब इट इज रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम, मेल्स के अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा इसलिए होते हैं बिकॉज इट इज जो मेल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट इज एक्स वाई, वेर एज फीमेल इट इज एक्स एक्स, राइट? तो यहाँ पे वी नो कि डिसीज को कुछ एक्सप्रेस होना है तो इट शुड बी डोमिनेंट, राइट? यस. सो यहाँ पे जो मेल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेबी बॉय का, दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम. तो अगर ये रिसेसिव भी हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसका हेमोफीलिया का देखा, राइट? दिस वन. अब समझ लो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें से एक एक्स इसमें एक्स चला गया, ठीक है? तो समझ लीजिए इसमें से जो आपका एक्स है, इट इज लाइक दिस, तो इट इज गोइंग टू बी हेमोफिलिक, यस और नो? यस.
Are you getting? No, एक बार फिर से No, ma'am, फिर से बोल. Okay. यहाँ तक समझा? This is X Y मतलब male, right? X Y मतलब female. Female. So हमने जैसे कि hemophilia का cross बहुत पहले देखा है. याद है कुछ? Hemophilia का cross देख चुके थे ना, carrier recessive, कुछ याद है? Yes, ma'am. Okay. Yes. तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे जैसे समझ लीजिए हमने ये फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, ठीक है. नाउ वी नो कि इसमें से कोई एक इसमें इनहेरिट होगा, कोई इसमें. सो अगर फीमेल में एक एक्स चला भी जाता है तो भी इट इज गोइंग टू बी कैरियर ओनली, क्योंकि दूसरा नॉर्मल एक्स इज प्रेजेंट देयर. बराबर? यस. और यहाँ पे आपके पास एक ही एक्स है, राइट? तो अगर यहाँ पे गया तो द इंडिविजुअल इज गोइंग टू अफेक्ट. समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग? कि कोई भी डिसीज है इट अफेक्ट्स मेल मोर एज कंपेयर टू फीमेल इन केस ऑफ एक्स लिंक डिसीज. क्योंकि यहाँ पे जो रिसेसिव वाले हैं वही ऐसे हैं कि मतलब दोनों जब प्रेजेंट होगा तो अगर डोमिनेंट है दोनों तो इसमें से एक भी चला गया तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट. और अगर रिसेसिव भी है तो फीमेल में चांसेस है कि वो एक्सप्रेस ना हो. बराबर? बट मेल में क्या है, इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस. समझ में आया? यस मैम. यस. ओके. सो फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल में आपके जो दो रिसेसिव जीन्स होते हैं फॉर रिक्वायर्ड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीज, ये आप लिख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर फीमेल, राइट? हैव हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स? ओके. सिंस फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, बच्चा लोग यहाँ तक समझाना सबको? यस. सो सिंस फीमेल हैज टू क्रोमोसोम्स, उनके पास दो क्रोमोसोम्स है, दैट्स व्हाई अगर फीमेल ने कोई डिसीज हमको एक्सप्रेस कराना है तो उसके लिए दो का दोनों जीन शुड बी रिसेसिव, आइदर वन डोमिनेंट. समझ में आया? एक रेसेसिव होगा तो फीमेल को कुछ अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास दूसरा वाला नॉर्मल जीन्स भी प्रेजेंट है. समझ में आया? यस मैम. सो टू रेसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड, टू रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर वॉट? फॉर एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्स लिंक डिसीज. समझ में आया? यस. पक्का? यस मैम. अब आपका जो वाई जीन्स होता है ना बच्चे लोग, वाई लिंक दैट इज होलैंड्रिक जीन्स, वहां पे मोस्टली इट इज वाई टू वाई. वहां पे फीमेल का कुछ काम है क्या? No. Because female में तो Y एक भी present ही नहीं होता है, right? Yes. अभी यहाँ पे जैसे for example अभी मैंने आपको hemophilia का दिया है ना, since female have two XX, तो अगर एक यहाँ पे recessive है भी, तो it will be suppressed by the another one, right? क्योंकि ये वाला normal है, तो it is going to be represent or not, वो present होगा baby में. It is going to be suppressed by the normal gene. समझ में आया? Because this is dominant over this. This is a recessive. Right? Yes, ma'am. Yeah. अगर हम कोई भी disease ले रहे हैं, for example, first of all, it depends on the disease. इसीलिए मैंने hemophilia consider किया, because we know it is a X-linked recessive disease. अगर याद होगा तो. Okay? So it is a X-linked recessive disease. मतलब it is going to, वो अपने आप को कब express करेगा? जब दोनों जगह HH present होगा तो ही. ओके. एक्सप्रेस कब होगा? जब दोनों जगह उसको रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा तब. अब यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे वही बोला है कि टू रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिसीज और डिसऑर्डर. अब यहाँ पे एक ही रिप्रेजेंट है तो इट इज सप्रेस्ड बाय दिस नॉर्मल वाला जीन, राइट? तो डिसीज एक्सप्रेस होगा? नो. यस. तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे जो एक जीन पे कैरी होता है ना, दे विल एक्ट एज कैरियर. कैरियर का बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, आई गेस कैरियर अभी तक नहीं हुआ है. डू यू नो व्हाट इज कैरियर?
कैरियर मीन्स बच्चा लोग, यहाँ पे अभी दिस इज समझ लो ऑफस्प्रिंग ऑफ एफ वन जनरेशन, ओके, दिस इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ व्हाट, एफ वन जनरेशन, ये सब समझ रहे, एफ वन जनरेशन हम सारी चीजें कर चुके हैं, राइट. तो यहाँ पे अभी हमने क्या बोला कि एक जीन जो है इट इज नॉर्मल वाला जीन, राइट, एंड एक में एच प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? यस मैम. सो इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज कैरियर बिकॉज हेमोफीलिया इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑफस्प्रिंग में रिप्रेजेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नॉर्मल वाला जीन है, राइट, बट इट विल बी एक्ट एज कैरियर. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी बेबी का वो है, समझ लीजिए फादर का भी सेम ऐसा है, ठीक है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर एंड ये वाला आपका जो अभी बेबी बना है मदर, समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज कैरियर बिकॉज इन फ्यूचर जब वापस से इनका फ्यूजन हो रहा है मेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे तो अगर फीमेल है तो फीमेल डेफिनेटली एक्सप्रेस होने वाली है बिकॉज यहाँ से जो एक्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, नो अल्टरनेट ऑप्शन इज प्रेजेंट, करेक्ट? यस. और यहाँ से जो एक्स आएगा अगर ये वाला आ गया तो इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फीमेल, समझ में आया? यस यस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैरियर बिकॉज फ्यूचर में चांसेस है कि ये क्या करेगा, जो आगे वाला ऑफस्प्रिंग है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. So here, from here, this side, it is 50-50% chances. अगर ये वाला आया तो it is also going to become as carrier, जो कि क्या करेगा, बाद में affect करेगा. तो यहाँ पे कैसे होते हैं, जो X-linked disorders होते हैं ना, they skip generation. मतलब first F1 generation में they are going to be act as carrier. Second में there is 50% chances कि वो क्या हो, express हो. समझ में आ रहा है? Yes. तो आपके जो कैरियर होते हैं दे आर गोइंग टू बी फिजिकली फिट एंड फाइन, ओके, वो नॉर्मल होते हैं तो उसमें आपको ऐसा कुछ समस्या नहीं है बिकॉज दे आर कैरियर, वहां पे डिसीज एक्सप्रेस नहीं हो रही है. वो जब नॉर्मली जब वापस से उनकी शादी होगी और उनके जब बच्चे की टाइम आएगी ना, एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी अगेन फ्यूजन ऑफ द गैमेट. सो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन गैमेट ऑफ हियर एंड 50% फ्रॉम हियर, सो देर इज अ चांसेस, राइट. अब यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि चलो पहले वापस मेल वाला तो एक्सएच होगा, सेकेंड वाला दिस कैन आल्सो बी हैपन, राइट. सो 50-50% चांसेस कि हेमोफिलिक फीमेल हो. समझ में आया सबको? यस मैम. किसी को वापस चाहिए रिपीटेशन? ओके. अब यहाँ पे बच्चा लोग फीमेल में हमने देखा कि दो एक्स है, तो एक एक्स अगर अफेक्टेड भी है तो दूसरा वाला क्या है, नॉर्मल है, जिसके वजह से जो फीमेल्स है उसमें वो डिसीज दिखाता नहीं, मतलब फिजिकली दे आर नॉट अफेक्टेड. बट मेल में क्या होगा, मेल में क्या होगा बच्चा लोग, मेल में एक ही एक्स है, राइट, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन मेल. यहाँ पे कहीं फीमेल नहीं मेंशन किया ना मैंने, ओके, सो मेल हैव वन एक्स क्रोमोसोम, अच्छा वहां लिख दिया मैंने, ठीक है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है. सो हियर फिजिकली मेल में एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आप लोगों को? होगा सिर्फ, यस, बिकॉज यहाँ पे एक तो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर वो रिसेसिव भी रहा ना बच्चा लोग, since it is X-linked recessive, then also male में phenotypically, physically it is going to be represent, क्योंकि उसको suppress करने वाला दूसरा normal dominant X नहीं है ना male में, तो इसलिए वो recessive भी होगा तो भी express होगा. जैसे अभी हमने इसका hemophilia का देखा था, याद है, it is going to be carrier, क्योंकि इसको suppress करने वाला यहाँ पे capital X नहीं है, it is a capital Y, so that's why it is going to be carrier. समझ में आया? Yes ma'am. ओके, सो हियर मेल्स आर गोइंग टू अफेक्ट फिजिकली, यू कैन से, और फिनोटाइपिकली. फिनोटाइप पता है ना सबको, व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नली, ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंस, सो बाहर से अफेक्शन जो भी है, यस, कैरेक्टर्स,
that going to be affected because it is present as phenotypically also. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दूसरा डोमिनेंट जीन नहीं है. ओके, सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चा लोग, कि आपका जो एक्स लिंक और सेक्स लिंक डिसीज है ना, वो ज्यादातर किसमें अपीयर होता है मोर फ्रिक्वेंटली, मेल और फीमेल? मेल्स. यस, एग्जैक्टली. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस इज कि एक्स लिंक और सेक्स लिंक डिसीजेस आर अफेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स एज कम्पेयर्ड टू फीमेल्स. एग्जाम्पल में हेमोफीलिया, जिसका क्रॉस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट वापस से शायद से देखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस आर द एग्जांपल्स. इज इट क्लियर डिफरेंस? यस. सॉरी, इसका अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया. दिस इज एक्स लिंक. समझ में आया सबको अच्छे से? यस. ओके, अब वाई लिंक देखते हैं. वाई लिंक में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन, दैट इज कॉल्ड एज वाई लिंक. दूसरा, males have only one X chromosome. Third point is like कि आपका जो Y link genes है, they are going to be inherited directly from male to male because female में तो Y link present, Y gene ही नहीं present होता है, right? Yes. Yes. So Y link inherited from male to male. ये लिखना है आपको. ओके, सो इट इज गोइंग टू इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? हाइपर मतलब क्या? एक्सेसिव. ट्राइकोसिस मतलब क्या? हेयर. तो हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, याद है? यस मैम. Yes. So here we are done with the sex linked inheritance, X link and Y link dono. Is there any doubt? Agar kuch doubt bhi to abhi na hum crosses dekhenge, color blindness, hemophilia, ye sare ke crosses dekhenge to thoda sa aur clarity aayega. Isko likh ko lo fatafat, this is important. Yes. डन? यस मैम. सबका हो गया बच्चा लोग? यस यस. ओके, सो अभी हम डिटेल में देखेंगे सारे ये एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के. जैसे कि फर्स्ट वन इज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच कलर्स? ग्रीन एंड रेड. रेड कलर. यस, ग्रीन एंड रेड कलर, जिसमें उसको दो का दोनों क्या दिखता है? ग्रे कलर. कलर ब्लाइंडनेस. ओके, सो कलर ब्लाइंडनेस कौन सा डिसीज है बच्चे लोग? एक्स लिंक, वाई लिंक? एक्स लिंक. एक्स. ओके, रिसेसिव डोमिनेंट? रिसेसिव. यस, that is the most important thing. ये आपको याद रखना है. color blindness is X link specially recessive. इस पे बहुत question आते हैं, ठीक है? So color blindness is X link recessive disorder. दूसरी, इसमें दोनों red and green के बीच में distinguish नहीं कर पाते, दो का दोनों it appears as grey, ठीक है? नाउ इसके अलावा यहाँ पे अब हम थोड़े से क्रॉसेस देखेंगे, ठीक है? देयर इज द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज, वी कैन से थोड़ा एग्जांपल्स लेके देखते हैं. चलो, सो फर्स्ट एग्जांपल इज जहाँ पे हमने मेल क्या किया? नॉर्मल लिया, ठीक है? मेल इज नॉर्मल एंड द फीमेल इज, होल्ड ऑन,
सॉरी इट इज अ कलर ब्लाइंड मेल बिकॉज इट इज एक्स लिंक रिसेसिव जी. तो मेल्स में अभी हमने क्या देखा कि देयर इज ओनली वन एक्स बराबर. तो अगर एक सी भी प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू बी अफेक्ट करेक्ट. यस सो दिस मेल इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड मेल. समझ में आया? यस. एंड द अनदर वन इज नॉर्मल फीमेल. ब्लू से लिखती हूँ. ओके यस वन मोर थिंग आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया मैंने. दिस इज अ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर बराबर. रिसेसिव मतलब क्या? रिसेसिव को हम कैसे लिखते हैं? फ्रॉम दिस डोमिनेंट इज रिटन एज दिस राइट. तो कैपिटल मतलब डोमिनेंट, स्मॉल मतलब रिसेसिव राइट. अब कलर ब्लाइंडेड सी स्टार्ट फ्रॉम सी. ओके तो दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव करेक्ट. तो सिंस इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर तो डिसीज इसमें कहाँ होगा बच्चा लोग? यहाँ होगा कि यहाँ होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी? स्मॉल सी. यस एग्जैक्टली. समझ में आया? बिकॉज इट इज एक्स लिंक रिसेसिव. सो प्लीज कंफ्यूज मत होना क्योंकि अभी तक हम लोग कैसा देख रहे थे? जो डोमिनेंट वाला इट इज गोइंग टू बी अफेक्ट राइट. जैसे विडो स्पीक में हमने देखा कि जहां पे आपका कैपिटल आ रहा था वहां पे वो अफेक्ट हो रहा था. बट सिंस This disease is a recessive disorder. तो जहां पे small आएगा it is going to affect. समझ में आया सबको? Yes. Okay. So color blind male मतलब this is X and Y. अब color blind है तो यहाँ पे small c होगा right? This is color blind male. Now your normal female. Normal female क्या होगी? पहले X X capital C and capital C. Yes. सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes. Okay. तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स ले लिया. दिस इज जीनोटाइप. नाउ अगेन अब इसका गैमेट्स, वी नो गैमेट्स एग्रीगेट होंगे और डायरेक्ट हम क्रॉस कर सकते हैं ठीक है. सो फर्स्ट क्रॉस दिस. तो यहाँ पे आपका क्या है? एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी. समझ में आया? यस. अगेन सेकेंड क्रॉस करेंगे हम, क्या मिलेगा? एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी राइट. यस और नो? यस. नाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्स कैपिटल सी एंड वाई नॉर्मल. अगेन दिस इज एक्स कैपिटल सी एंड वाई नॉर्मल. इज इट क्लियर? प्रोसेस सबको समझ में आए? यस. Now the phenotype of the offspring. ये दोनों क्या होंगे? This is capital C, small C साथ में. So it is going to be what? Normal, carrier, disease. Normal. Are you sure? Carrier. One small C is also present here, बच्चा. And this is a recessive. अगर ये dominant होता ना, then this offspring should be normal. But it is a recessive disorder. समझ में आ रहा है द डिफरेंस? अभी तक हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे थे? इट वॉज फॉर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स. डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब तक डोमिनेंसी प्रेजेंट नहीं होती तब तक आपका ये रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होता है राइट. यस. बट हियर इट इज अ एक्स लिंक रिसेसिव सो बोथ दिस इज गोइंग टू बी कैरियर. इज इट क्लियर? सो कैरियर डॉटर. बोलो मैम. अगर डोमिनेंट होता है तो फिर वो एक सप्रेस करता ना, फिर उसको सप्रेस करता है. हाँ तो बच्चे यहाँ पे फिजिकली कुछ अफेक्ट नहीं होगा ना. तभी भी देखो हेमोफीलिया में हमने क्या कंसीडर किया? सिंस दिस इज डोमिनेंट ये इसको सप्रेस कर रहा है तो इसीलिए इट इज अ कैरियर. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो दिस इज माई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ओके ये मैं हूँ तो आई एम गोइंग टू बी कैरियर बट इसका कुछ भी अफेक्ट मेरे ऊपर नहीं होगा. आई एम नॉट गोइंग टू बी गेट कलर ब्लाइंड. मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, इसका अफेक्ट मुझे कुछ नहीं होगा. अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले
एक्सटर्नली फिनोटाइपिक आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, तो ये डिसीज आपके ऊपर कुछ भी हार्म नहीं करेगा, तो आपको समझेगा ही नहीं ना कि दैट यू आर अ कैरियर, राइट? वो सिर्फ जब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तब समझेगा. नाउ दिस इज माय जीनोटाइप, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ माय मैरिज, जब मेरी शादी होगी, जब मेरे बच्चों की टाइम आएगी, एट दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन में वापस से क्या होगा, वहां पे मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इट इज लाइक दिस, राइट? नाउ इट डिपेंड्स कि सामने वाला जो मेरा हस्बैंड है उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ओके, अब फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ही इज द नॉर्मल है तो क्या होगा, अगर एक्स कैपिटल सी और एक्स आता है तो ये नॉर्मल फीमेल हुई, करेक्ट? क्योंकि दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. सेम एक्स कैपिटल सी और कैपिटल वाई हुआ तो ये नॉर्मल मेल चाइल्ड हुआ, राइट? एक्स कैप एक्स स्मॉल सी और कैपिटल एक एक्स है तो इट इज अगेन अ कैरियर, राइट? यस और नो? यस मैम. और एक अगेन आपका क्या है, एक्स सी और वाई, तो अगेन इट इज अ कैरियर. यस, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सी आया है ना, स्मॉल एक्स. गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. तो इट इज लाइक कैरियर होना डजंट मीन कि आई एम अफेक्टेड. कैरियर मीन्स आई एम नॉर्मल, बट माय नेक्स्ट जनरेशन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आइदर इट कैन बी रिसेसिव. वो सामने वाले के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है. ओके, अब यहाँ पे सामने वाला कैसा था, ही वॉज नॉर्मल, दैट्स वाई हमको रिजल्ट में क्या मिले, वन नॉर्मल फीमेल, वन नॉर्मल मेल, वन कैरियर फीमेल एंड वन कैरियर मेल, राइट? अब इसका अगर हम सामने वाले का थोड़ा सा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं और इसका मैं चलो हेमोफिलिक मेल ले लेती हूँ, ठीक है? दिस इज हेमोफिलिक मेल. तो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटीज सारा का सारा चेंज हो गया, वन कैपिटल सी वन स्मॉल सी, इट इज गोइंग टू बी कैरियर फीमेल, राइट? दिस वन अगेन एक्स कैपिटल सी एंड वाई, ये नॉर्मल होने वाली है, दिस इज नॉर्मल. यस यस. ओके, नाउ दिस स्मॉल एक्स विद दिस स्मॉल एक्स, तो स्मॉल सी क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. यस, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, दिस फीमेल, एंड अगेन दिस एक्स सी एंड दिस इज वाई, इट इज अगेन गोइंग टू बी अफेक्टेड मेल, बिकॉज़ वन स्मॉल सी प्रेजेंट है. तो समझ में आया? यस. तो कैरियर मींस आई एम नॉर्मल, माय नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बी अफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट मैन. सामने वाले का क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पर आपका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट. समझ में आया सबको? यस. ओके, और किसी को कुछ डाउट? सो यहाँ पे दो का दोनों सी आपके नॉर्मल है, राइट? सो दिस सन्स आर गोइंग टू बी normal sons. सबको समझ में आया? Yes. Okay. Rough करूं? Or you want to write it? बस ये चीज याद रखना कि since this is X-linked disease, तो छोटा भी अगर एक सी आ गया तो this is going to be a carrier. So should I rub it? Next cross देखते हैं. अब फिनोटाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे. पहले हमने क्या किया था, कलर ब्लाइंड मेल लिया था एंड नॉर्मल फीमेल लिया था, राइट? नाउ विल डू अ कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल मेल. मेरे ख्याल से अब भी जस्ट हमने यही किया, राइट? अभी जो रिजल्टेंट मिला था उसका हमने नॉर्मल मेल के साथ ही क्रॉस किया ना, रिजल्ट देखा क्या आता है. चलो, नाउ आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल, बिकॉज ऑलरेडी ये हो गया बता के. सो कैरियर डॉटर का क्या होगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बताओ. एक्स कैपिटल से स्मॉल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, एक्स अगेन एक्स स्मॉल सी. ओके, वेरी गुड. नॉर्मल मेल का एक्स वाई, एक्स कैपिटल सी कैपिटल. ओके, सो फर्स्ट वन यहां पे हमारा आया, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हिच फीमेल, एक्स कैपिटल सी कैपिटल सी, नॉर्मल नॉर्मल फीमेल. Yes. Okay. Again, this is going to be capital X. Sorry, capital C and Y. Normal. Normal. Normal son, right? Now this cross, that is one capital C and one small C. Carrier. क्या होने वाला
carrier. Yes. Your daughter. And now this. X. X small c, c and capital y. y. कैसा होने वाला है? It is going to be affected. X small c है और capital y x को suppress नहीं कर सकता. So this individual is going to be affected. So you can say first of all it is a male. So this is a color blind male. समझ में आया सबको? Yes. So you can see if you take one carrier daughter and one normal male, there is four probabilities. मतलब 25% is what? Normal, this is female. Normal female. Right? 25% is what? Normal male. 25% is what? Carrier female. Carrier female. And 25% is what? Colorblind male. Colorblind. Yes. So is it clear to everyone? Yes. Is there any doubt? So now अभी हमको क्रॉसेस आ गए, we know what is going to be happen. So यहाँ पे हम changes करके we can do all types of process. Okay? You can just interchange and do one thing. अभी मैं आपको एक homework देती हूँ, ठीक है? आपको homework में क्या करना है? यहाँ पे हमने carrier daughter और normal male लिया है, right? Am I audible? Yes, ma'am. The homework is आपको cross करना है between normal male and अफेक्टेड कलर ब्लाइंड फीमेल. ओके, लिख के ले लो नोटबुक में. यू हैव टू डू क्रॉस बिटवीन दिस नॉर्मल मेल एंड अफेक्टेड फीमेल, मतलब कलर ब्लाइंड फीमेल. डन? ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अच्छे से वापस से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिसीज लेंगे.